किसी गाड़ी के ऊपर कंपनी डिस्काउंट दे तो भाई ठीक है, एक बार मान सकते हैं अपन, कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, लेकिन यार सरकार ने इस गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट देना चालू कर दिया, तो कम से कम ये तो अपन मान सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर इस चीज का होने वाला है, सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रही है। और अगर आप आज इस गाड़ी को लोगे तो आपको रीसेल भी बढ़िया मिलेगी और सरकार का सपोर्ट भी मिलेगा। इनफैक्ट अगर सरकार डिस्काउंट दे रही है तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड अपने रहेगा 10 साल तक कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर, इसके अंदर वो लफड़ा नहीं आने वाला कि भैया सरकार बंद कर देगी जैसे डीजल वगैरह के साथ हो रहा है। जैसे हम सभी को, मेरा नाम है शीर्ष और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। नए हो चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर हम करने वाले आईफोन का गिव अवे। अगर आप वो लकी विनर बनना चाहते हो जिसको आईफोन मिले, तो भैया देर किस बात की, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और अपन चलते हैं इस वीडियो के अंदर आगे। गाड़ी देखकर आप पहचान गए हो कि ये कौन सी गाड़ी है। अब आप सोचोगे यार भैया 17,43,000 रुपए की तो इसकी एक्सशोरूम कीमत ही है, ये जेटा वेरिएंट है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आ जाता है। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आप इस गाड़ी को कहीं से भी कहीं तक कम मत हाँकना भैया, क्योंकि जिस दिन से आपने गाड़ी ले ली ना, उस दिन से ही आपकी बचत चालू हो जाएगी। भले ही अगर अपन बात करें तो आप मेंटेनेंस की बात कर लो या फिर बात कर लो डिस्काउंट की। अब भैया कंपनी का तो आप डिस्काउंट मिलता ही है 1 लाख रुपए का ग्रैंड विटारा पे, लेकिन ये हाइब्रिड का बैज अगर आपकी गाड़ी पे है तो 25% का आपके टैक्स के ऊपर बेनिफिट आपको सरकार के द्वारा यहाँ पर दे दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइब्रिड को बढ़ाने में सरकार का बिल्कुल हाथ है। सरकार चाहती है हाइब्रिड बढ़े। और यहाँ पर अगर अपन इस गाड़ी के लुक वगैरह की बात कर लेना तो देखो, अपने सेगमेंट में ऑल व्हील ड्राइव ऑफर करने वाली ये गाड़ी आपको मिल जाती है, उसी के साथ में नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ साथ सीएनजी के साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर भी ये गाड़ी देखने को मिलती है। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अगर आप ले रहे हो तो 1.5 लाख रुपये का सीधा सीधा यहाँ पर फायदा हो गया, क्योंकि जो यहाँ पर इसका टैक्स कटता है वो 2,13,000 रुपये का कटता है। लेकिन कहीं ना कहीं 2,13,000 रुपये का टैक्स जो है आप यहाँ पर उसके अंदर से 25% का डिडक्शन भी मानो तो भैया 50,000 तो आपके ऐसे ही टूट गए। अब बाकी के डिस्काउंट्स की अगर अपन बात करें, मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं ले रहे हो, आप नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसके अंदर ले रहे हो तो उसका क्या, तो भैया उसके लिए भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है अपन बात कर लेते हैं क्या कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर लुकिंग वगैरह की बात करें तो बूट वगैरह भी अगर आप इस गाड़ी का देखोगे तो बैटरी एक्स्ट्रा यहाँ पर होने के बावजूद आपको यहाँ पर बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। सीएनजी में ही आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड यहाँ पर हाइब्रिड अपना चला जाता है। लेकिन फिर भी यार सीएनजी लेना थोड़ा सा इन गाड़ियों में ऐसा लगता है, मतलब ठीक है यार, लेकिन अपने अपने प्रेफरेंसेज है, लेकिन मुझे तो देखो हाइब्रिड ज़्यादा बढ़िया लगता है, थोड़ा रिच साउंड यहाँ पर करता है। तो भैया विषय से ना भटकते हुए अपन ने बात कर ली 25% रोड टैक्स माफ़ होने की इस गाड़ी के ऊपर, जो कि सीधा सीधा 50,000 रुपये हो जाता है। लेकिन उसी के साथ में 1 लाख रुपये का जो एडिशनल डिस्काउंट है वो कहाँ से मिल रहा है तो उसके बारे में बताऊं। तो भैया देखो सीधी सी बात है, 50,000 रुपये का तो कैश डिस्काउंट कंपनी ही आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है। और अगर आप गाड़ी एक्सचेंज कराते हो कोई, इसके साथ कोई गाड़ी एक्सचेंज करके गाड़ी लेते हो तो 50,000 रुपये का बेनिफिट आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सीधा सीधा आपका 1 लाख ये वाला डिस्काउंट हो गया जो नेचुरली एस्पिरेट तक में मिल जाएगा आपको, और आपका 50,000 रुपये एडिशनल अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो तो। अब इंजन बे की बात कर ले तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर इंजन बे मिल जाता है। अपन इसके 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड को एक बार जरूर बोल सकते हैं अंडर पावर, क्योंकि इसमें 87 पीएस की पावर आती है, लेकिन इसके अंदर 101 पीएस की पावर आपको मिलती है। और बैटरी का सपोर्ट जहाँ पर मिलता है वो इस गाड़ी के पिकअप को थोड़ा सा और लाजवाब बना देता है। यहाँ पर अपने पास LED मिल जाती है DRL के साथ जो काम करती है, साथ ही साथ आपको इंडिकेटर का भी LED यहाँ पर वर्क करता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर अगर अपन नीचे आएंगे तो पियानो फिनिश की आपको पूरी कवरिंग और उसी के साथ प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको गार्निशिंग ग्रे कलर की भी मिल जाती है जो इस गाड़ी को थोड़ा सा लुकिंग वाइज और ज़्यादा बढ़िया बना देती है। पियानो फिनिश ग्रिल आपको यहाँ पर सेंटर में देखने को मिलती है। 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे ऊपर वाले मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके पास जो ये बिडिंग्स है ये सब पियानो फिनिश में मिलती है। अपोलो के टायर आपको मिलते हैं 215/60/8/17 इंच का पूरा टायर का प्रोफाइल आपको मिल जाता है। उसी के साथ में इधर अपने पास ORV में हो गए जो इंडिकेटर आपको मिल जाएगा LED के अंदर और पियानो फिनिश के साथ मिल जाता है। ऊपर ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ये आपको डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाता है। और ऊपर आपको इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपने पास एक शार्क फिन एंटीना हो गया, ऐसे कुछ आपके पास यहाँ पर स्पॉइलर हो गया, यहाँ पर सनरूफ, ये जो है अगर आपको सनरूफ नहीं लेना तो आप जेटा वेरिएंट भी ले सकते हो, और सनरूफ लेना है तो जेटा प्लस डेफिनेटली ये वाला मॉडल अपने पास हो ही गया जो आप यहाँ पर ले सकते हो। रियर की यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपके पास वाइपर डिफॉगर मिल जाता है, उसी के साथ हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है अपने पास, ग्रैंड विटारा की बैजिंग, कनेक्टेड इसकी टेल लैंप हो गई, मारुति का लोगो मिल गया, हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिल गई, और यहाँ पर इंडिकेटर आपको
हेलोजन के अंदर देखने को मिल जाता है। चार पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिल रहे हैं, पियानो फिनिश आपको ओवरऑल यहाँ तक देखने को मिलता है। तो बूट की बात करें तो बूट में भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, पर उसी के साथ में लोगों का कंसर्न रहता है, हम गाड़ी तो ले रहे हैं लेकिन यार जो गाड़ी की रियर सीट है उसमें स्पेस कितनी होगी। तो गाइज यू कैन सी हियर, यहाँ पर स्पेस आपको डिसेंट देखने को मिलेगी। उसी के साथ में रियर के अंदर आपको 3-point सीट बेल्ट मिल जाते हैं, हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए, ऐसे कुछ यहाँ पर आपके पास हेडरेस्ट मिल जाता है और आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। रियर के अंदर आपको AC वेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और अपने पास सी टाइप चार्जिंग पोर्ट एक मिल जाएगा और एक आपको मिल जाएगा USB पोर्ट। तो जिनका सी टाइप चार्जिंग पोर्ट वाला फोन है वो सी टाइप लगा लो, जिनका USB वाला USB लगा लो। बाकी अपने पास ऊपर ऐसे कुछ पूरा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, लुकिंग वाइज काफ़ी बढ़िया है। इधर अपने पास लेदर फिनिश, इधर लेदर फिनिश मिल जाती है, पियानो फिनिश आपको मिलती ही है। और गाइज कहीं ना कहीं इस गाड़ी का जो इंटीरियर का कलर थीम वगैरह है देखने में काफ़ी रिच और प्रीमियम भी लगती है। हालांकि इसके अंदर आपको कोई भी लेदराइट सीट कवर्स नहीं मिलेंगे, जो कि अच्छा है क्योंकि लेदराइट सीट कवर्स कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आपके लिए गर्मियों में डिस्कम्फर्ट कर देते हैं अगर उसके अंदर वेंटिलेशन नहीं है तो। और इसके अंदर वेंटिलेशन आपको मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में, यानी कि अल्फा वेरिएंट में, तो उस वजह से आपको वहाँ पर लेदराइट सीट कवर मिल जाएंगे जो थोड़ा सा कम्फर्ट आपका इंक्रीज कर देते हैं। चार स्पीकर, दो ट्विटर आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, डिसेंट साउंड सिस्टम है। लेकिन कॉम्पिटिशन की बात करें तो वहाँ पर आपको भले ही हाइब्रिड ना मिले पर साउंड सिस्टम आपको बोस वगैरह का भी मिल रहा है और अच्छे अच्छे साउंड सिस्टम मिल जाते हैं। उसी के साथ में फ्रंट यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो देखो सॉफ्ट टच वगैरह का इस्तेमाल करा गया है कंपनी के द्वारा। इधर आपको जेटा प्लस वेरिएंट के अंदर ही HUD भी देखने को मिल जाती है। अपने पास ऐसे कुछ स्पीड मीटर मिलता है जो कि पूरा डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में क्रूज कंट्रोल की आपको प्लेसमेंट इधर मिल गई, MID की कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो, इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आपको कंट्रोल करनी हो यहाँ से आप कर सकते हो, ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल गया, ऐसे कुछ आपके पास यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाता है, लाइट्स इधर आपको मिल जाती है, सनरूफ बंद चालू करने के लिए आपको बटन इधर मिल जाते हैं। बाकी उसी के साथ में इधर आपको लाइट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी, अभी गाड़ी की बैटरी डाउन है इसलिए कुछ भी चलेगा नहीं, बट हाँ यहाँ पर भी आपको लाइट मिल जाएगी इसके अंदर। UV कट वाले आपको यहाँ पर ग्लासेस देखने को जो है मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का फंक्शन मिल जाएगा, HUD कंट्रोल करने का आपको पूरा फंक्शन मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ करने के लिए आपको ये ब्लू कलर का बटन देखने को मिलता है जो कि दर्शाता है कि आप हाइब्रिड के अंदर बैठे हैं। बाकी अपने पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इधर मिलेगा, आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट इधर, USB सॉकेट इधर और वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। CVT गियरबॉक्स इसमें आपको मिलता है जो आपका काफ़ी बढ़िया एवरेज वगैरह इंक्रीज कर देता है। EV मोड और ड्राइव मोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, इनफैक्ट आपको यहाँ पर ये B मोड देखने को मिल जाएगा। B मोड माने गाड़ी के अंदर जो रीजनरेशन पावर है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, मतलब जैसे आप रेस छोड़ेंगे वैसी गाड़ी रीजनरेशन ऑन कर देगी। अपना हैंडब्रेक इधर मिलता है, ऐसे कुछ आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है, लेदराइट कवर के अंदर मिलता है, बाकी अपने पास बॉटल वगैरह रखने की जगह और ऐसे कुछ आपके पास ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। तो भैया ओवरऑल ये थी अपनी ग्रैंड विटारा का जेटा प्लस वेरिएंट, और अगर आप कहीं ना कहीं हाइब्रिड वेरिएंट कोई सा भी ले लो कोई सी भी गाड़ी का, आपको उसके ऊपर RTO का रिबेट डेफिनेटली 25% का मिल जाएगा, इनफैक्ट UP जैसी जगह में तो 100% तक भी कर दिया है। तो भैया ये वाली बात है, इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक, कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।